हेलो गाइस, जय हिंद। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास वीडियो है। अगर आप भी सोच रहे हैं बीएड करने को सत्र 2022 और 24 में, और आपने यूपी बीएड इंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रखा है, तो आपको किस तरीके से कहां पर एडमिशन लेना है, एक खास वीडियो है आप सभी के लिए। बात कर लें आपके काउंसलिंग की डेट को लेकर, तो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। आप सभी को पता है 30 सितंबर से आपकी काउंसलिंग चल रही है। इनके पूरे फेस की जो लिस्ट है आज हम आपको दिखा देते हैं, शो अप कर देते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चल के कि इनकी वेबसाइट पर क्या है इनकी काउंसलिंग की डेट। फर्स्ट काउंसलिंग का डेट कब से कब तक है, सेकंड काउंसलिंग का डेट कब से कब है, और थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है, पूल का क्या है, डायरेक्ट का क्या है, वो सारी चीज़ें हम आपको आज आपको डेट दिखा देते हैं। आप अपने एडमिशंस, अपने रजिस्ट्रेशन, जिस भी काउंसलिंग में आ रहे हैं, जितनी भी आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी काउंसलिंग कराएं और अपने एडमिशंस लें। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना एडमिशंस डायरेक्ट एडमिशंस के तहत लेना चाहते हैं, काउंसलिंग थ्रू नहीं पॉसिबल हो पाता है क्योंकि 52,200 की डीडी लगती है। तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने एडमिशंस किस तरीके से लेना है। तो चलिए गाइस, हम आपको दिखाते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के कि क्या है काउंसलिंग की डेट। लेकिन उसके पहले जो भी लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप बीएड कर रहे हैं, आप सीटेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अपकमिंग जो वीडियोज़ होंगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है और लिखना है उत्तर प्रदेश। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022, इसे ओपन करने के बाद जैसे आप इसे क्लिक करते हैं तो जो सबसे पहला आता है यूपी बीएड जेई 2022, इसी को आप लोगों को क्लिक कर देना। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। पहले हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022, आयोजक महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली। ठीक है, आप यहां पर पहुंचने के बाद इनके जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अपडेट्स यहां से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपके काउंसलिंग को लेके बातें करें भी देख पा रहे हैं, यहां पर आपको दिया गया है क्लिक हेयर फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, यानी आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए काउंसलिंग के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा आपको दिया गया है क्लिक हेयर फॉर काउंसलिंग शेड्यूल। हम आपको आज की इस वीडियो में शेड्यूल दिखा रहे हैं कि इनका शेड्यूल क्या है। आप इनके शेड्यूल को प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे शेड्यूल के दे सकते हैं। यहाँ पर इनका शेड्यूल डाउनलोड हो गया है, तो हम इसे ओपन करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि इनका प्रॉपर शेड्यूल क्या है। पर आप सभी देख पा रहे हैं जिनका स्टेट रैंक फर्स्ट से लेके 75,000 के बीच में है, आप फर्स्ट फेज में अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। आपका काउंसलिंग का डेट 30 स्टार्ट होता है और 7 तक तो आपका रजिस्ट्रेशन है और चॉइस फिलिंग है। वहीं पर 8 तारीख को चॉइस फिलिंग आपका फिर से है और 9 तारीख को आपका अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है और अपना सीट कन्फर्मेशन और फी पेमेंट आप जो है 13 तारीख तक कर सकते हैं। तो ये फेज फर्स्ट की डेट है। वहीं पर सेकेंड की बात करेंगे तो फेज सेकेंड में जिनकी रैंक जो है 75,000 एक से लेके 2,00,000 के बीच में है, तो आप फेज सेकंड में आ जाते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन 9 तारीख से स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है आपका 13 तारीख तक रहता है। उसके बाद आप सभी डेट देख पा रहे हैं, 15 को अलॉटमेंट होता है और आपका 16 से लेके 19 तक सीट कन्फर्मेशन और पेमेंट का है, फी पेमेंट का है। इसके बाद अगर हम थर्ड काउंसलिंग की बात करें, 2,00,000 एक से लेकर 3,50,000 तक के बच्चे हैं। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन और ये सारी डेट यहाँ दी गई हैं। 15 से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और फाइनली जो डेट है आपका 25 तारीख है, जिसमें आपका सीट कन्फर्मेशन, फी पेमेंट, वो सारी चीज़ें आ जा रही हैं। आगे की बात करेंगे 3,50,000 एक से लेके टिल एंड तक जितनी भी सीटें होंगी वहाँ तक की अगर बात की जाए, तो आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन का डेट दिया गया है 21 तारीख का। 21 यानी आपका जो महीना चल रहा है अक्टूबर, 21 अक्टूबर है और लास्ट डेट आपका हो जाता है यहाँ पर 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर तक यानी पूरे महीने आपका जो फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकंड, फेज़ थर्ड और फेज़ फोर्थ है इनकी काउंसलिंग चलती रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको पूल काउंसलिंग का टाइमिंग दिया गया है। पूल काउंसलिंग का टाइमिंग शुरू होता है डाटा रिकाउंसलाइजेशन, आगे सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आपका शुरू होता है 1 नवंबर से। 1 नवंबर से आपका यह चलेगा और फाइनली आपका ये 15 नवंबर तक की डेट रहेगी पूल काउंसलिंग की। उसके बाद आपका आता है डायरेक्ट का लिंक। डायरेक्ट के तहत जो आपके एडमिशन्स हो रहे हैं इनकी डेट है जो बच्चों वो है 17 नवंबर से लेके 25
नवंबर तक, यानी फाइनली 25 नवंबर तक के आप सभी के एडमिशन्स हो जाएंगे। आप अपने इस जो भी आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपने काउंसलिंग करा सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं हमारे और आप बीएड करने को सोच रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको टाइमली मिलती रहेंगी। फाइनली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।